સાણંદ ખાતે સેમીકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ સાથે ખાસ વાતચીત થઈ. 90 દિવસ પહેલા પીએમ મોદીએ એમઓયુ કર્યા અને આજે પ્લાન્ટનું ખાતમુહૂર્ત થયું. ભારત માટે ખૂબ મોટી ઉપલબ્ધિ છે આ સેમીકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ અને બુલેટ ટ્રેનના રૂટ પર 240 કિલોમીટરનું બાંધકામ પૂર્ણ થયું છે. डिजिटल क्रांति की तरफ आज एक और कदम हमने बढ़ाया है. गुजरात में साणंद में प्लांट का भूमि पूजन हुआ है. किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को देखते हो और इसमें आगे की जो भविष्य में क्या संभावना है इसमें देखते हो? देखिए, आज से 90 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमओयू साइन करवाया था पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का और आज भूमि पूजन हुआ है. बहुत ही खुशी की बात है. बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है. बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, गुजरात के लिए, कि पहला सेमीकंडक्टर प्लांट आज भूमि पूजन होके आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है और बहुत तेजी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होके आगामी दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री जी का जो सेमीकंडक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न है वो तेजी से आगे बढ़ेगा और भविष्य की जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं भारत को विकसित देश बनाने की, उसी गारंटी का, मोदी जी की गारंटी का ये बहुत बड़ा एक बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा मील का पत्थर है. सेमीकंडक्टर भी आ गया, वंदे भारत भी आ गई, बुलेट ट्रेन भी आने वाली है. बुलेट ट्रेन को लेकर किस तरह से काम चल रहा है और गुजरात में कब तक मिल जाएगा? बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. 240 किलोमीटर के आसपास का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है और बहुत तेजी से आप देखेंगे ये सब विकास गुजरात में होगा. धन्यवाद. उपस्थित रहा था केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कह रहा है कि गुजरात डिजिटल क्रांति तरफ आगे बढ़ रही है, जेमा सेमीकंडक्टर बाद वंदे भारत ने हवे आगामी समय में बुलेट ट्रेन पण गुजरात में जोवा मळशे. कैमरा पर्सन नरेश सोलंकी साथ जयेश चौहान, वीटीवी न्यूज.